जिस तरीके से 27 विधायकों की खरीद फरोख्त करके 27 विधायकों को षड्यंत्र पूर्वक खरीदा गया, लोकतंत्र की हत्या की गई, इसके खिलाफ जनता है। जनता ने चुन के भेजा कमलनाथ जी को, आप जबरदस्ती अपना चेहरा वहां फिट कर लिए पैसे के दम पर। वो पैसा उसी तरीके से वो चेहरा नोच के फेंक दिया जाएगा जैसे कर्नाटक में किया गया। इस बार हमारी आएगी 170, उनकी आएगी 50 सीट, तो क्या खरीदेंगे? खरीदने के बाद भी सरकार आप क्या खरीदेंगे? 50 सीट तो है ही, जितनी पूंजी होगी उसी पे ना व्यापार होगा। देखिए मैं आपको बताऊं, मेरा जो निजी घोषणा पत्र है उसमें मैंने दो ही बात कही है, रीवा की शिक्षा व्यवस्था का सुधार और ये जो मेडिकल नशा है इसके खिलाफ युद्ध, ये निर्णायक लड़ाई होगी। मेडिकल नशा मैं ख़त्म करके रहूँगा। रीवा में भारतीय जनता पार्टी ने अपने 20 साल के शासन में एक भी स्कूल नहीं खोला। वही मारतंड गवर्नमेंट मॉडल, घोघर कन्या, घोघर स्कूल, एसके, पीके, पाड़न टोला, इसके अलावा ये तो 50 साल से स्कूल है, इसके अलावा इन्होंने एक भी नया स्कूल नहीं खोला। इन्वेस्टमेंट समिट हुई, हर साल होती है, खजुराहो में बुलाया जाता है उद्योगपतियों को, इंदौर में बुलाया जाता है उद्योगपतियों को, सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है उस आयोजन पे, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, उनसे आप अपना नेम प्रेम व्यवहार बनाते हो, इसके अलावा कौन सी इंडस्ट्री खुल गई? सरकार आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में बन रही। जो राजेंद्र शर्मा जी आप चुनाव हैं, इस बार चुनाव मैदान में है, राजेंद्र शुक्ला जी लगातार 4 बार से यहाँ विधायक हैं और एक तरीके से बीजेपी के गढ़ के तौर पर यह रीवा स्थापित हो रहा है, तो क्या उस गढ़ में सेध लगाने में इस बार कांग्रेस सफल होती दिखाई देती? देखिए रीवा सदैव से कांग्रेस और समाजवादियों की धरती रही है, ये यहाँ पूंजीवाद और भारतीय जनता पार्टी की जो दक्षिणपंथी विचारधारा है इसका कोई स्थान कभी रीवा में था ही नहीं। विगत 20 वर्षों से जो वो काबिज हुए उसमें कुछ अन्य कारण थे जिसके कारण उनकी जगह बन गई, अब वो सब कारण खत्म है, कांग्रेस की सरकार बन रही है, रीवा सीट हम जीत रहे हैं। मैं आपकी बात को एक बार दोहरा भी रहा हूँ कि लोहिया जी कहा करते थे कि बिंध जो है समाजवाद की प्रयोगशाला है, लेकिन इस प्रयोगशाला में ही 20 वर्षों से भाजपा स्थापित रही और पिछली बार तो 8 सीटों पर उन्होंने कब्जा जमाया, तो इस बार रीवा जिले में कितनी सीटों पर कांग्रेस आ रही है या फिर अन्य दलों का कब्जा हो सकता है? इस बार हम रीवा और मोगन जिला मिला के 8 सीट जीत रहे हैं। पिछली बार का बदला इस बार चुकाया जाएगा? पक्का इस बार बदला लिया जाएगा। जिस तरीके से 27 विधायकों की खरीद फरोख्त करके 27 विधायकों को षड्यंत्र पूर्वक खरीदा गया, लोकतंत्र की हत्या की गई, इसके खिलाफ जनता है। लोकतंत्र हिंदुस्तान की जनता के लिए है, जनता के द्वारा है और जनता से है। उस लोकतंत्र की आप हत्या करोगे तो जनता के अधिकारों की हत्या करोगे। जनता ने चुन के भेजा कमलनाथ जी को, आप जबरदस्ती अपना चेहरा वहां फिट कर लिए पैसे के दम पर। वो पैसा उसी तरीके से वो चेहरा नोच के फेंक दिया जाएगा जैसे कर्नाटक में किया गया। लेकिन एक सवाल ये भी है, जब हम सागर की तरफ जाते हैं कुछ सीटें वहाँ से बदली गई, बदला पाला उन्होंने, जब अनूपपुर की तरफ जाते हैं तो वहाँ से एक सवाल ये भी उठता है कि क्या भरोसा कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो इस बार लोग नहीं बदलेंगे और एक स्थिर सरकार मिलेगी? अगर ये बात आप बताना चाहें तो किस तरीके से आप भरोसा दिला सकते हैं कि कांग्रेस एक स्थिर सरकार देगी अगर सरकार बनती? देखिए पिछली बार क्या है, मार्जिनल सीट डिफरेंस था, दोनों पार्टियों के बीच में 7 सीटों का अंतर था, 114 कांग्रेस थी, 107 भाजपा थी, आपने खरीद फरोख कर लिया। इस बार हमारी आएगी 170, उनकी आएगी 50 सीट, तो क्या खरीदेंगे? मतलब खरीदने के बाद भी सरकार आप क्या खरीदेंगे? 50 सीट तो है ही, जितनी पूंजी होगी उसी पे ना व्यापार होगा, अब पूंजी नहीं है पास में तो क्या व्यापार करेंगे? और एक सवाल और है कि रीवा एक नशे के कारोबार के गढ़ के तौर पर स्थापित हो रहा है, अगर आप विधायक बनते हैं तब इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी और इसका खात्मा कैसे किया? देखिए मैं आपको बताऊं, मेरा जो निजी घोषणा पत्र है उसमें मैंने दो ही बात कही है, रीवा की शिक्षा व्यवस्था का सुधार और ये जो मेडिकल नशा है इसके खिलाफ युद्ध, ये निर्णायक लड़ाई होगी। मेडिकल नशा मैं ख़त्म करके रहूंगा रीवा से। और कौन से विजन है जो थोड़ा शांत रहेंगे आप लोग, और कौन से विजन है जो आपकी नज़र में है और जिनके द्वारा रीवा विकास का एक गढ़ बनेगा, विकास के तौर पर एक मिसाल, मेल का पत्थर साबित? देखिए रीवा में
भारतीय जनता पार्टी ने अपने 20 साल के शासन में एक भी स्कूल नहीं खोला। वही मारतंड गवर्नमेंट मॉडल घोघर कन्या घोघर स्कूल एसके पीके पालनटोला, इसके अलावा ये तो 50 साल से स्कूल है, इसके अलावा इन्होंने एक भी नया स्कूल नहीं खोला। TRS साइंस GDC इसके अलावा एक भी नया कॉलेज नहीं खोला। तो हमारी पहली प्राथमिकता है कि हम अपने यहाँ स्कूली शिक्षा में नए स्कूल खोलेंगे, एक लड़कियों का एक लड़कों का उच्च स्तरीय स्कूल बनाएंगे, ये हमारी प्राथमिकता है। पहली काम हम शिक्षा पे करेंगे, दूसरा काम अपने युवाओं के रोज़गार पे करेंगे, इनके स्वरोजगार के लिए भी इनको प्रेरित करेंगे और रीवा को एक अच्छी रोजगार की जगह बनाएंगे जहाँ से लोग पलायन न करें रोज़गार के लिए, जहाँ रुक कर व्यवसाय करें और जो मेरे युवा बाहर चले गए हैं वो लौट के आए। पलायन की समस्या का निदान आपके कार्यकाल में होगा। ये जो अभी वहाँ पे इंदौर में इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था उसमें सेकंड नंबर पे इंदौर स्पेशली रीवा के लिए सबसे ज्यादा पैसा दिया गया था, तो उसका कुछ हुआ है या क्या हो रहा है रियलिटी में? आप ये बताओ मुझे, इन्वेस्टमेंट समिट हुई, हर साल होती है, खजुराहो में बुलाया जाता है उद्योगपतियों को, इंदौर में बुलाया जाता है उद्योगपतियों को, सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है उस आयोजन पे, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, उनसे आप अपना नेम प्रेम व्यवहार बनाते हो, इसके अलावा कौन सी इंडस्ट्री खुल गई? रीवा में वीडियोकॉन जैसी कंपनियों ने 2,500-3,000 एकड़ जमीन वहाँ ली सिरमौर में, सबको मालूम है एक उद्योग ढूंढे मिलता है वहाँ, उन्होंने लोगों की किसानों की ज़मीन खरीदी, सरकार ने तो दे दी, सरकार ने उन्होंने किसानों से खरीदी, उनको ये लालच दिया कि हम इनको रोज़गार देंगे आपके बच्चों को, और किसानों ने अपने क्षेत्र की उन्नति के लिए ज़मीन दे दी, आज वहाँ एक भी रोज़गार नहीं खुला, और बल्कि इन ज़मीनों को बैंकों में उन्होंने मॉर्गेज करके और लोन उठा लिया कंपनियों ने, तो ये तो लूट है। सत्ता पक्ष तो इसी बात को दोहरा दोहरा करके अपनी वोट बैंक बना रहा है। वोट बैंक बंद कहाँ रहा है, वोट बैंक तो खत्म हो रहा है। एक आखिरी सवाल, बन नहीं रहा कि एक समय ऐसा हुआ करता था जब अमहिया से बिंध की राजनीति चला करती थी, अब इस समय जो है तो वो दूसरा परिवार जो कांग्रेस के पक्ष में हुआ करता था श्रीनिवास तिवारी जी का, तो उनके भी पौत्र जो है तो शामिल हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो एक तरीके से अमहिया तो अब एक केंद्र पे स्थापित हो रहा है, वो है भारतीय जनता पार्टी की, तो वो कितना असरकारी है इस रीवा विधानसभा के चुनाव में? कुछ नहीं, पहले तो बहुत असरकारी होता था, अब वो कौन कितना असर डालता है मैं इस विषय पे नहीं जाना चाहता, मैं ये जानना चाहता हूँ कि समय चक्र जो है वो बड़े बड़े केंद्रों को घुमा देता है, सब केंद्र घूमेंगे और बिंद की राजनीति कांग्रेस की राजनीति होगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस के लोग जीतेंगे और जो वो जनता कांग्रेस का इंतज़ार बेसब्री से कर रही, हमारे यहाँ का गरीब पिछड़ा समाज में सबसे पीछे की पंक्ति में खड़ा हुआ आदमी, ये कांग्रेस का वोटर, कांग्रेस इनको सामने लाने का काम करती, ये सब समाज में पिछड़ गए उपेक्षित हैं, ये सब इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारी कांग्रेस सरकार आए और कांग्रेस सभी को उन्नति की राह पर ले जाए। सर अभी आप आए हैं तो नीचे वाले माइक के नहीं ऊपर वाले की आवाज आई है कि अल्लाह हू अकबर, आप आइए, जैसे ही आप उतरे हैं सर, एक मिनट भाई सर, जैसे ही आप उतरे हैं तो वैसे ही ऊपर वाले की आवाज आई है कि आइए अल्लाह हू अकबर, अल्लाह मेहरबान चालू हुई है, आप इतने खुश नसीब इस पावन पवित्र में और बाबा मकबूल शाह के दर के सामने बैठे हुए हैं। बाबा मकबूल शाह के दर पे मैं आया हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता की दुआ मुझे लगेगी। अंतिम सवाल की अगर चुनाव जीत रहे तो कितने मार्जिन से आप जीत रहे? मैं 25,000 से अधिक वोटों से। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये साथियों मेरे साथ राजेंद्र शर्मा जी, रीवा की विधानसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी को हमारे साथ आदरणीय इंजीनियर राजेंद्र शर्मा जी, यह रिपोर्ट आपको पसंद आई आप सब लोग बने रहना के साथ, नमस्कार।